नमस्कार, वेलकम आप सबों को अन अकेडमी पे। प्यारे बच्चों, आप अन अकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करके आप वहाँ से भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर भी हमारे कई चैप्टर्स डाउनलोड किए गए हैं। ठीक है, नमस्कार, मैं अनिल कुमार आप सबों को अपने चैनल पे वेलकम है आप सबों का। तो आज हम लोग रेलगाड़ी का आगे पार्ट, नेक्स्ट पार्ट लेके आए हैं, पार्ट नंबर 6, जिसमें आपको मैं क्वेश्चंस बढ़िया बढ़िया सवाल के ऊपर ध्यान दीजिएगा। तो लिख लीजिएगा आप लोग का अगला टाइप है, टाइप नंबर 8। सवाल क्या है वो ध्यान से देखिएगा। दो राइफलों से एक ही स्थान पर 11 मिनट 45 सेकेंड के अंतराल पर दो गोलियां छोड़ी जाती है। एक व्यक्ति जो रेलगाड़ी पर सवार उसी स्थान की ओर आ रही है, 11 मिनट बाद वह दूसरी आवाज सुनता है। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। अधिध्वनि की चाल मतलब साउंड का जो स्पीड है वो 330 मीटर है। आप सभी बच्चे को मैं बता दूं, जब भी ये गोली दागने वाला क्वेश्चन जब भी आपके सामने आता हो तो ध्यान दीजिएगा, जो दो टाइम दिया रहेगा, एक टाइम दिया था 11 मिनट 45 सेकेंड और दूसरा है टाइम 11 मिनट। आप सभी बच्चे को मैं बता दूं, ये जो दोनों टाइम दिया गया है, कहने का मतलब दो राइफल एक ही स्थान से, एक ही जगह से दो राइफल चलाया गया 11 मिनट 45 सेकंड के अंतराल पे, लेकिन एक रेलगाड़ी इधर से ही ओर आ रहा था जो 11 मिनट में ही सुन लेता है, मतलब 45 सेकंड पहले सुन लेता है। तो इन कंडीशन में ध्यान रखिएगा मैं क्या बता रहा हूं उसको। तो यहां पर जो दो टाइम दिया गया हो, एकदम कॉन्सेप्ट के साथ, जब दो टाइम दिया गया हो और इन दोनों टाइम के बीच का डिफरेंस देख लीजिएगा, 45 सेकंड, कितना है 45 सेकंड। अब यहां पे एक नोट करके मैं लिख दे रहा हूं, ठीक है, समय का अंतर गुने ध्वनि की चाल बराबर रेलगाड़ी द्वारा ये दूसरी टाइम 11 मिनट में तय दूरी। अब यहां पे एक चीज आप सभी बच्चे को मैं बता दूं, ध्यान दीजिएगा, समय का अंतर जो है यहां 45 सेकंड है, मतलब 45 है, और ध्वनि साउंड का जो स्पीड दिया गया है वो 330 है, और रेलगाड़ी द्वारा 11 मिनट में तय दूरी, दूरी बराबर समय, समय है 11 मिनट को हम लोग लिख सकते हैं 660, यहां पे लिख दीजिए 11 गुना 60, अगर देख करेंगे हम लोग 660 सेकंड होगा। तो 660 रेलगाड़ी की स्पीड जो है वो x है। यहां पर सभी बच्चे लोग एकदम गौर से देखेंगे, अगर x का मान निकालते हैं 45 गुने 330 बटा 660, इसको अगर हम लोग काटते हैं हो जाएगा 2, ये जो 45/2 आएगा ये मीटर पर सेकंड में आएगा, इसको किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करने के लिए 18/5 से गुना कर देंगे, 5 9 45 2 9 18 9 9 81 किलोमीटर प्रति घंटा जो होगी वह रेलगाड़ी का चाल होगा। एक एक सवाल एकदम ध्यान में देते जाएंगे और एक एक क्वेश्चन बेहतर तरीके से करते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग का यहाँ पे क्लियर हुआ, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 है वो गौर से देखेंगे। एक एक सवाल आज हम लोग बस ये टाइप पढ़ने के बाद टाइम एंड डिस्टेंस का बेसिक लेवल हम लोग आज खत्म कर देंगे। आज से ही आप लोग को नेक्स्ट जो वीडियो आएगा वो नाव और धारा का आएगा, ध्यान देंगे। आज हम लोग यहाँ पे बेसिक लेवल खत्म कर देंगे, बाकी एडवांस लेवल बचा है, तो पहले बेसिक लेवल खत्म करें, सीखें, उसके बाद ही हम लोग एडवांस लेवल को लेके आएंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा है ध्वनि 1 सेकंड में 330 मीटर यात्रा करती है, जब ध्वनि बिजली चमकने के 10 सेकंड बाद सुनाई दी तो बादल कितनी दूरी पर है। ये मान लीजिए बादल है, यहां पर बादल में टकराव हुई, यहां पर कोई आदमी था, ठीक है, और ध्वनि जो है वो 1 सेकंड में कितना दूर चला जाता है, 330 मीटर चला जाता है। तो जैसे ही बादल यहां पे कड़का कि 10 सेकंड के बाद यहां पे सुनाई दिया, 10 सेकंड के बाद सुनाई दिया और इसकी जो स्पीड है
330 मीटर पर सेकंड है। तो कहता है बादल कितनी दूरी पर है, तो बादल कितनी दूरी पर है देखा जाए, यहां से यहां जाने में उसको 10 सेकंड लगा और एक सेकंड में 330 जाता है, तो हम लोग यहां पे लिख सकते हैं दूरी बराबर चाल गुना समय, 330 बगना 10, कहने का मतलब 3300 मीटर उस आदमी से बादल की जो दूरी है वो 3300 मीटर है। क्वेश्चन नंबर 2 भी खत्म हो गया। ये सब एग्जाम्स में आए हुए सवाल हैं, बादल कोहरे ये सब ध्यान से देखेंगे। अगला सवाल है, सुबह के कोहरे में चलती हुई एक कार उसी दिशा में 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पैदल चलते हुए एक आदमी को पार करती है। आदमी 3 मिनट तक कार को देख सकता है तथा कोहरे के कारण वह केवल 130 मीटर की दूरी देखा जा सकता है, तो कार की चाल क्या होगी? जब वे दोनों एक ही दिशा में सापेक्षिक होगा, कार की चाल अगर x और आदमी की चाल यहां पे 4 है, तो सापेक्षिक चाल जो होगी वो x बटा x माइनस 4 होगा। यहां पर दूरी देख लीजिएगा और x माइनस 4 में वह 130 मीटर तक देखता है। 130 मीटर को अगर मीटर में चेंज करेंगे तो हो जाएगा 1000 से भागा देंगे, और 3 मिनट है और 3 मिनट को घंटा में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा। यहां पर x माइनस 4 जो है वो चाल है, और यहां पर भी दूरी बटा समय जो है वो चाल है। 3 से अगर 60 को काटते हैं तो 20, 10 से 10 यहां पे काट दीजिए। x माइनस 4 बराबर 13/100 गुने 20 ऊपर चला जाएगा, 20 से जब इसको काटेंगे तो हो जाएगा 5, 4 उधर जाके प्लस हो जाएगा। x बराबर 13/5 प्लस 4, देखा जाए x बराबर जो होगा वो 5×20/5, कहने का मतलब x बराबर हो जाएगा 6/3/5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, एक एक चीज बहुत बेहतर तरीके से ध्यान में देखते चलिए। क्वेश्चन नंबर 3 आपका खत्म हो गया। अब यहां पे देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? सो क्वेश्चन नंबर 4, अब यहां पे ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 4, एक रेलगाड़ी 50 किलोमीटर जाकर दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। एक रेलगाड़ी 50 किलोमीटर गया और यहां से गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिस कारण उसकी चाल में 1/4 की कमी आ जाती है और जिस कारण अपना गंतव्य स्थल 35 मिनट लेट पहुंचता है। सवाल कहता है यदि 20 किलोमीटर के बाद दुर्घटना घटता, यहां से यहां तक की जो दूरी अगर देखा जाए तो हम लोग 20 किलोमीटर लेते हैं, अगर दुर्घटना 20 किलोमीटर आगे जाके होता तो वह गाड़ी यहां से यहां तक 25 मिनट लेट पहुंचता। मैं इसको अपना लॉजिक से बता दे रहा हूं, यहां ध्यान दीजिएगा एक्सीडेंटल गाड़ी है ये, इसलिए इसको डॉट डॉट से हम इंडिकेट करते हैं कि स्लो चल रही है गाड़ी। कहता है 1/4 की कमी होना, अगर पहली चाल 4 थी तो 4 में अगर 1/4 कम हो जाएगा, कहने का मतलब 4/3/4 है, तो यहां की चाल जो होगी वो 3 होगी। आप सभी बच्चे को मैं बताया था यदि चाल की अनुपात 4:3 है तो समय का जो अनुपात होगा वो 3:4 होगा। यदि चाल का अनुपात, तो कहने का मतलब ओरिजिनल स्पीड इसकी 4 है और यहां पर 3 होगा, यहां भी स्पीड 4, यहां पर भी स्पीड 4 और यहां का भी स्पीड 3। आप सभी बच्चे लोग ध्यान दीजिएगा, अगर यहां पर स्पीड 3:4 में होगा तो यहां पर लिया गया समय जो होगा वो 4x होगा और यहां पर लिया गया जो समय है वो 3x होगा। यहां पर लिया गया यहां से यहां तक की दूरी है 20 किलोमीटर। आप सभी बच्चे लोग ध्यान दीजिएगा, इस लाइन और इस लाइन के बीच का डिफरेंस अगर देखा जाए तो 35 मिनट और 25 मिनट है, तो इस लाइन और इस लाइन के बीच का अगर कहीं गैपिंग देखा जाए तो हम लोग यहां पे लिख सकते हैं 10 मिनट। इन दोनों के बीच का अगर समय यहां पर डिफरेंस देखा जाए, ये 4x और 3x है, तो यहां पर जो डिफरेंस होगा 4x-3x = x, और x होने के कारण इन दोनों के बीच का डिफरेंस दिया गया 10। जब x बराबर 10 मिनट होगा तो 3x = 30 मिनट होगा। कहने का मतलब है कि यहां से यहां तक जाने में वह गाड़ी ओरिजिनल स्पीड उसकी जो है, मूल जो चाल है वो
30 मिनट में 20 किलोमीटर जाता है। आप मुझे बताइए कि अगर 30 मिनट में वह 20 किलोमीटर जाएगा तो 60 मिनट में कितना दूर जाएगा? तो 60 मिनट में वह बंदा 40 किलोमीटर जाएगा। यहां तक इसका आंसर ये आपका हो गया, ठीक है। गाड़ी की चाल निकल गई कि गाड़ी की जो चाल होगी वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। अब सवाल कहता है कुल दूरी कितनी होगी, यहां से यहां तक के बीच का डिफरेंस कितना होगा। अब यहां पे गौर करेंगे, बेहतर तरीके से समझ में आया होगा, कहीं दिक्कत नहीं होगी। एक बार फिर आगे पीछे करके देख लीजिएगा, क्योंकि मैं प्योर बेसिक से आपको बता दे रहा हूं, दिक्कत कहीं नहीं होनी चाहिए। अब मुझे बताइए यहां पे 10 मिनट का गैपिंग होने के कारण यह घटना 20 किलोमीटर जाता है। अगर 10 मिनट की गैपिंग होने के कारण यह घटना आपका 20 किलोमीटर जाता है तो 1 मिनट घटने के कारण यह 2 किलोमीटर जाएगा, ठीक है। और अगर 35 मिनट कहीं लेट होता तो 35 दुनी 70 किलोमीटर की गैपिंग होती। तो यहां से यहां तक का बीच का डिफरेंस मतलब दूरी है 70 किलोमीटर और यहां से यहां तक की 50 किलोमीटर। हमारी जो कुल दूरी हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस यहां पर देखा जाए, टोटल डिस्टेंस अगर देखा जाए 50 प्लस 70 जो होगा वह 120 किलोमीटर होगा। यहां से यहां तक भी अगर मिलाना है तो 25 मिनट में वह गाड़ी 50 किलोमीटर जाती है। तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस 50 किलोमीटर, यहां से यहां तक के 20 70 और यहां से यहां तक की भी 50। तो टोटल दूरी यहां पर भी देखा जाए तो चेक करके देख सकते हैं कि 120 किलोमीटर ही होगा। क्वेश्चन नंबर पांचवा, क्वेश्चन नंबर फाइव, बहुत बढ़िया सवाल है। अभी जस्ट मैंने इस टाइप के क्वेश्चंस को बता चुका है। क्वेश्चन नंबर पांचवा कौन होगा सो? क्वेश्चन नंबर फाइव देखिएगा, 6 मिनट के अंतराल पर एक ही स्थान से 2 बंदूकें चलाई गई। उस स्थान की ओर आते हुए एक व्यक्ति को दोनों बंदूकों की ध्वनियां 5 मिनट 52 सेकंड के अंतराल पर सुनाई देती है। अधिध्वनि की चाल जो है वो 330 मीटर पर सेकंड है। वह व्यक्ति किस चाल से उस स्थान की ओर आ रहा था? अब यहां पे गाड़ी होगी, वह रेलगाड़ी किस स्थान से, या तो व्यक्ति ही देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर ध्यान दीजिएगा, एक था 6 मिनट और एक था 5 मिनट 52 सेकंड। आपको मैं बताना चाहूंगा, ये 6 मिनट को हम लोग लिख सकते हैं 360 सेकंड, और यहां पर देखा जाए 352 सेकंड होगा। इन दोनों के बीच का जो गैपिंग है वो कितनी की होगी? 8 सेकंड की होगी। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, जो डिफरेंस मैंने बोला था, 8 सेकंड में जो ध्वनि चलेगी वह व्यक्ति 352 सेकंड में उतना दूरी तय करेगा। अब यहां पे गौर करेंगे, x बराबर अगर देखा जाए 8 × 330 / 352 × 18 × 5 होगा। 5 से जब इसको काटते हैं हम लोग 66 होगा, और अगर देखा जाए 6 से 11 से काटे 11 × 6 = 66, 11 × 3 = 33, 11 × 2 = 22, 8 × 32, 2 से काटेंगे 2 × 2 = 4, 2 × 9 = 18 और 2 से काटेंगे 3 × 9 = 27। इसकी जो आंसर हो गया वो 27 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। इसी तरीके से एक एक क्वेश्चंस को हम लोग ध्यान से देखते चलेंगे और बेहतर तरीके से आगे बढ़ते चलेंगे। आगे हम लोग देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर सिक्स जो होगा, बहुत बढ़िया। कोई गाड़ी अपने ही दिशा में आ रहे 2 व्यक्तियों को 9 तथा 10 सेकंड में पार कर जाती है। यदि उन दोनों व्यक्तियों की चाल क्रमशः 3 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो, 3 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो वह गाड़ी की चाल क्या होगी? ध्यान दीजिएगा, गाड़ी अपने दिशा में आ रहे 2 व्यक्तियों को क्रमशः 9 तथा 10 सेकंड में पार कर जाती है। जब पहला व्यक्ति का चाल अगर 3 किलोमीटर प्रति घंटा है और दूसरा का चाल अगर 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो देखा जाए यहां पे जो सापेक्षिक चाल होगी x - 3 किलोमीटर प्रति घंटा होगा,
और यहाँ पर जो सापेक्षिक चाल होगा वो x माइनस 4 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। यहाँ पर देखिएगा ये किलोमीटर प्रति घंटा में, जिस कारण से इसको मीटर पर सेकंड में बनाने के लिए 5/18 से करेंगे, और यहाँ पर इसको करने के लिए 5/18 से ये भी करेंगे। इन दोनों कंडीशंस में यह 10 सेकंड में पार करता है, यहाँ पे 9 सेकंड में पार करेगा। सभी बच्चे ध्यान से देखिएगा, x जो है यहाँ पे x किलोमीटर प्रति घंटा था, जिस कारण से मीटर पर सेकंड में चेंज किए क्योंकि टाइम जो दिया था वो सेकंड में दिया था। और ये x माइनस 4 ये कट तो जाता, नहीं भी लिखते तो भी आंसर आता, लेकिन एक नियम था 5/18 को हमने काट दिया। 900 अगर हम लोग x को करेंगे 9x माइनस 27 होगा, यहाँ पर देखा जाए तो 10x माइनस 40 होगी। इन दोनों के बीच का गैपिंग यहाँ पे देखिएगा x होगा माइनस 40 प्लस 27, यहाँ पर देखा जाए तो माइनस 13 होगा। तो x का जो वैल्यू होगा वो 13 किलोमीटर प्रति घंटा में होगा। ठीक है, एकदम पहले ही x का मान हम लोग लिख लीजिएगा, x का मान जो होगा मतलब x किलोमीटर प्रति घंटा में, जिस कारण से यहां पर 5/18 से मैंने किया, क्योंकि यहां पर भी जब पार करेगा अपनी ही दूरी पार करेगा, यहां पर भी जब पार करेगा तो अपनी ही दूरी पार करेगा, तो जिस कारण से हम लोग आराम से इसको लिख सकते हैं। कैलकुलेशन सही है, 9 × 27 10x माइनस 40 9x माइनस x बराबर 13, बिल्कुल सही है। तो बेसिक लेवल का हम लोग टाइम एंड डिस्टेंस को बस यहीं पे खत्म करते हैं, और इसका तीसरा पार्ट हम लोग लेके आएंगे। टाइम एंड डिस्टेंस पहला पार्ट मैं कहता हूँ, ट्रेन दूसरा पार्ट कहता हूँ, और तीसरा पार्ट इसका होगा बोट एंड स्ट्रीम, नाव और धारा। ठीक है, तो वहां पर हम लोग बेहतर तरीके से एक एक क्वेश्चन को भी जानकारी लेंगे और एक एक क्वेश्चन को भी जानेंगे। आज के लिए बस यहीं पे समाप्त करते हैं। ओके, गुड बाय, थैंक यू। और आप सभी बच्चों को मैं बता दूं कि LCM एंड HCF जो है लगभग मैं कंप्लीट कर दिया हूं अनअकैडमी पे, वहां पे जाके आप लोग उसका ऐप डाउनलोड करके वहां से भी पढ़ सकते हैं। एक एक चीज वहां पे डाल दिया हूं LCM एंड HCF। तो बस आज यहीं पे हम लोग, ओके गुड बाय, थैंक यू।